खुश आमदीद कहता हूँ मैं आपको आज की क्लास में, जहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कि एक रास्टर इमेज को वेक्टर कैसे बनाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो मेरे सामने एक रास्टर इमेज मौजूद है, इसको अभी हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। और तो मैं इसके लिए यहाँ से फिल को कैंसिल करके स्ट्रोक सेलेक्ट कर लेता हूँ, और स्ट्रोक का जो कलर है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। और हम अपनी इमेज का जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे। सो ये बहुत ही इजी शेप है। इमेज के अंदर थोड़े कर्व ज़्यादा हैं, तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि शेप जो है बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ हो। तो हमारी इमेज का जो फर्स्ट पार्ट था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अब बारी आती है इसको फिलअप करने की। तो इसको जैसे ही मैं फिलअप करूँगा तो हमारे बाकी का जो ये पार्ट था, आई वाला वो एरिया था, वो जो हाइड हो चुका है। तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा और अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा, और इस शेप को इसमें से मैं माइनस कर दूँगा। तो अब हम इसको फिलअप करेंगे, तो हमारी शेप जो है बिल्कुल परफेक्टली बन चुकी है। इसी तरह हम इसके बाकी के पार्ट्स को भी फिलअप कर लेते हैं। सो हमारी इमेज का जो फर्स्ट पार्ट था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। उसके लिए मैं यहाँ से अगेन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसका हम जो सेकंड पार्ट है अब वो ड्रॉ करेंगे। तो ये शेप भी बहुत ही इजी है और ये इजीली ये ड्रॉ हो जाएगी। सो स्मूथ टूल का हमें इस्तेमाल बिल्कुल परफेक्टली करना होगा, क्योंकि ये शेप जो है वो कभी कभी डिस्टर्ब भी कर देता है। तो हमारी इमेज का जो सेकंड पार्ट था वो भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अब बारी आती है इसको फिलअप करने की। तो इसको जैसे मैं फिलअप करूँगा तो हमारी जो आई वाला पार्ट था वो हाइड हो चुका है। तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा और इस शेप को मैं इसमें से माइनस कर दूँगा।
सो अब मैं इसको फिलअप करूँगा तो हमारी शेप जो है बिल्कुल परफेक्टली डन हो चुकी है। तो जो हमारा बाकी का पार्ट था वो हाइड हो चुका है, तो इसको मैं रीज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ। सो हमारी शेप जो है बिल्कुल तैयार है। तो अब चलते हैं अपने सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ। तो इन सबको भी मैं यहाँ से फिलअप कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट करता हूँ और जो हमारी सेकंड लास्ट शेप है इसको अब मैं ड्रॉ करूँगा। सो हमारा जितना भी वाइट वाला एरिया था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सो अब चलते हैं अपने फाइनल पार्ट की तरफ। सो उसके लिए मैं अगेन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जितना भी हमारा ये ग्रे वाला एरिया है अब मैं इसको ड्रॉ करूँगा। सो हमारी मेज का जो फाइनल पार्ट था वो भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो इन सबको अब बारी आती है फिलअप करने की। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट सेम स्ट्रोक कलर और यहाँ से मैं इसको फिलअप कर दूँगा। इसी तरह मैं इसके बाकी के पार्ट्स को भी फिलअप कर देता हूँ। सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट सेम स्ट्रोक कलर और यहाँ से इसको मैं फिलअप कर दूँगा। सो हमारी मेज जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है इसमें कलर फिल करने की। तो इन सबको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। सो सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट सेम फिल स्ट्रोक और आई ड्रॉपर टूल से इसमें कलर फिल करेंगे। इसी तरह इसके बाकी के पार्ट्स में भी कलर फिल करेंगे। सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट सेम फिल एड स्ट्रोक और आई ड्रॉपर टूल से इसमें भी कलर फिल करेंगे। सो हमारी इमेज जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। रास्टर से वेक्टर इमेज बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।